अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्टार डाइवर्स टू। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है कराची में और मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में इस वक्त पड़ रही है। गंदम की कटाई हो चुकी हुई है। बहुत खूबसूरत वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारा खूबसूरत सीन लगता है फसल तैयार हो। और जब हम जाते थे खेतों की तरफ पंजाब में और सिंध की तरफ जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो बहुत खूबसूरत वो लगता था। तो इसलिए वो बचपन की यादें जो होती हैं ना, वो फिर ज़हन में रह जाती हैं और इंसान कहता है कि फिर दोबारा वो सीन देखें। एनीवे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कढ़ी चावल बनाए जाए, और लेकिन कढ़ी का ये है कि आप समझते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है और गर्मी में कैसे बनाए। गर्मी में तो खाने में मज़ा आता है कढ़ी चावल का, लेकिन जो मेरे पास रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। उसमें जो है आपको ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी गेम इस चीज़ की है कि आपने कढ़ी को जो पकाना है उसका बात यह है कि उसका बेसन जो है वो कुक हो जाए। तो उसके लिए बेसन को कुक करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसन को पहले ही उसकी भुनाई कर दें और उसके बाद आप उसमें छाछ या लस्सी मिक्स करें, दही मिक्स करें, तो एक ही बॉयल में आपकी कढ़ी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी, एक ही बॉयल में। और आपने बस पकोड़े बनाने हैं और उसमें भिगाड़ लगा देना है। तो ये जो लॉन्ग प्रोसीजर है 3 से 4 घंटे का, उसको अगर मैं आपको 8 से 1.25 घंटे में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा? गैस की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी और गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये सब कैसा होगा ये मैं आपको अभी बताती हूँ, जल्दी से बना के दिखाते हैं। ले जी, कढ़ाई मैंने रख दी है और यहाँ पे मेरे पास बेसन है। बेसन में लूंगी ऑलमोस्ट 1 कप, और 1 कप बेसन में जो है 1/2 किलो के करीब जो है दही जाएगा। तो उसकी जब मैं लस्सी बनाऊंगी तो वो बनेगी 1 लीटर के करीब। ठीक है, ये 1 कप। लो फ्लेम में मैं इसकी भुनाई करूंगी तकरीबन 5 मिनट तक। नहीं जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट की भुनाई हुई है और ये बिल्कुल लाइट पिंक, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल पिंक सा कलर आया है। ठीक हो गया, अब हम बनाते हैं लस्सी। ये है मेरे पास ऑलमोस्ट 1/2 किलो दही, और मैंने घर में जमाई, कितना तो क्यूट क्यूट जमा है मेरी छोटी छोटी खुशियां। थोड़ी सी अगर आपको भैं भैं की आवाज आ रही हो तो ये एग्जॉस्ट फैन की आवाज है जो कि फरियाल बहना लगा के गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा जबरदस्त दही जमाया है ना, मानते हैं कि नहीं। और ये यहां पे मेरा बीटर भी तैयार है जिसको मैंने वॉश कर लिया है। छींटों से बचा के चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केबल हिल गई है, अब मैं इसमें बेसन भी डालती जाऊंगी। सारा एक ही दफा डाल देते हैं। रीट अगेन, ध्यान रखे बेसन थोड़ा ठंडा कर लिया हो आपने। क्योंकि भिगार में भी ऑयल जाएगा इसलिए ऑयल की कम क्वांटिटी। इसमें एक बड़ा प्याज है, उसको जिस शेप में मर्जी काटें, और इसको हम करेंगे पिंक। परफेक्ट टाइम टू ऐड मोर स्पाइसेस। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, तकरीबन है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा मेथी दाना का। और ये मैं लौंग से तोड़ के लाई हूँ कड़ी पत्ते, एक हम भिगार में डालेंगे और एक अभी डाल देती हूँ। कड़ी के अंदर कड़ी पत्ते मस्त हैं। और खुशबू आ गई है मेथी दाने की और कड़ी पत्ते की। अब हम ऐड कर देते हैं ये जो हमारे पास मिक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी फ्यू स्पाइसेस, खास तौर पे हल्दी, ठीक है, और हल्दी भी वो जो मैंने घर में पीसी हुई है। ओए हो, क्या ज़बरदस्त आपकी बहन जो है ना यहाँ पे सुगड़ खातून है। चलें जितनी देर में उसे बॉयल आ रहा है हम पकौड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो बड़े अनियन लिए हैं और मेरे बच्चों को पसंद है कि पकौड़ों में जनाब आलू हो, तो आपकी मर्ज़ी है आप उसमें आलू ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, प्याज तो डलता ही है। मैंने अक्सर लोगों के देखे तो वो बेसन के ही बस बना रहे होते हैं पकौड़े, तो वो मज़ा नहीं आता। और ये बेसन जनाब रमज़ान का रखा हुआ है। ध्यान रखें आप भी कि मौसम ऐसा है कि ख़राब ना हो, उसमें कीड़ा ना लगे, और जल्द से जल्द इसी तरह कढ़ी बना लें और फिर इसे फ्रिज में रखें, वरना मौसम ऐसा है गर्मी का कि ये चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। दो बड़े कप के करीब जो है मैंने यहाँ पे बेसन लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो पकोड़े बनेंगे एक तो वो राउंड फॉर्म में होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए थोड़े से, आपने बिल्कुल भी सॉफ्ट पकोड़े नहीं बनाने, नहीं तो वो पूरी कड़ी में जो है ना घुल मिल जाएंगे। बहुत अच्छा हो जाना उन लोगों ने आपस में एका कर लेना है और आपकी कड़ी का हो जाना है बेड़ा भरक। अच्छा, थोड़े से पकौड़े ज़्यादा बना लिया करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब पकौड़े बना रहे हों तो कोई ना कोई घर में बड़ा छोटा आ जाता है और वो दो तीन तो वैसे ही उठा के ले जाते हैं, होता है कि नहीं, आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं? हमारे घर तो भैया ऐसा ही होता है। चलें जी, अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ, वही स्पाइसेस जो हम डालते हैं पकौड़े में वही डालेंगे। अच्छा, साथ ही मैं कड़ी में भी डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच सॉल्ट के, और रेड चिली डालूंगी। हल्दी, ये है मेरे पास हल्दी पेस्ट जो कि मैंने घर में बनाया और इसे मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ है, ठीक ठाक क्वांटिटी लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल खालिस हल्दी है जो कि मैंने रॉ जो टर्मेरिक मिलता है ना उससे बनाई है। जीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, और बस मिक्सिंग। अच्छे से मिक्स करते हैं। लीजिए, बॉयल अच्छा सा आ रहा है, ऑलमोस्ट ये रेडी है। जितनी देर में मैं पकोड़े बनाती जाऊंगी इसको अच्छे से बॉयल आता रहे। और ये हेयर कम्स द टिप कि आपने बीच में वुडन स्पून रखना है ताकि ये बॉयल होके बाहर न गिरे, वुडन स्पून होगा तो ये बाहर निकलेगी, है ना, अच्छी टिप। ऑयल इतना ही लेंगे कि जितना यूटिलाइज हो जाए, ज़ाया ना जाए, पड़ा ना रहे। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। लेकिन जो ऑयल गर्म हो रहा है, हेयर इज द बैटर, बैटर मैंने गाढ़ा ही रखा है पकौड़े का, और कोशिश करनी है कि राउंड राउंड फॉर्म में ही पकौड़े बने। गर्म होने देते हैं। चलें जी, गर्म हो गया ऑयल, चीखना चिल्लाना ख़त्म कर दिया ऑयल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्मॉल स्मॉल पकौड़ास। नहीं जी, पकौड़ों की पहली शिफ्ट जा रही है तातारी फौजों के पास। आप बोलेंगे तातारी फौज कौन सी है, वही जो आपके घर में फौज है उसको तातारी फौज कहते हैं, और वो तातारी और चंगेजों की तरह हमला करते हैं पकौड़ों पे। लुक एट दीज पकौड़ास, परफेक्ट, हैप्पी मॉम। द पकौड़ास आर रेडी, और अब हम इसको डाल देंगे कड़ी में। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पकौड़े बनाते बनाते ही कुक हो चुकी है। नेक्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट
अब हम बनाएंगे बिगार, और इसी ऑयल में बनाऊंगी मैं इसका। मैं थोड़ी क्वांटिटी कम करती हूँ। ले जी, बिगार का वक्त आ चुका है, मैंने ऑयल इसमें से कम किया है, और जो क्रम्स हैं इसमें ऑलरेडी जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पकौड़े के क्रम्स हैं। सोखे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाला मैंने, साथ ही जीरा डालेंगे, सफ़ेद जीरा 1 स्पून, जो कि साबुत रेड चिलीज हैं 5 से 6 जितने आपको पसंद है और फ्लेवर अच्छा लगे जिसमें। डन हो गया है, तो इसमें जो मैंने सेकंड लीफ रखा हुआ था कड़ी पत्ता का, ये ऐड कर दिया और बस भिगा देंगे। ज़बरदस्त बेहतरीन खुशबूदार कढ़ी तैयार है विद इन हाफ एन आवर। जितनी देर में कढ़ी को उबाला है मैंने सिर्फ पकौड़े बनाए हैं और भिगाड़ लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बेसन कुक था। आप इसको आप चावल के साथ लें, नान के साथ लें, बॉयल राइस के साथ लें, वैसे ही चम्मच के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी, लजीज, ज़बरदस्त और कम वक्त में बनी। बताई ना मैंने आपको ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। हम तो जो टाइमिंग्स मैंने कढ़ी बनाने में सेव की है ना कहीं से कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता है कि बस आप आराम नहीं कर सकते कि भाई टाइम सेव किया कि आराम करते। अब ये मैंने डिलीवरी मंगवाई थी दराज के लिए, दराज की अपनी शॉप के लिए सियालकोट से स्पोर्ट्स बूट्स मंगवाए थे, और वो डिलीवरी घर तक नहीं आ रही थी, कहते चेक पोस्ट पे आप आके रिसीव करें। और बहाना ये बनाया कि चेक पोस्ट में आज एंट्री जो है सारी क्लोज है, और जब मैंने उसकी एंट्री करवाने की कोशिश की तो उसमें रिप्लाई आया कि इस बंदे को ब्लॉक किया गया, यूट्यूब उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी है, कोई कैंट में उसे ब्लॉक किया गया, वो कैंट में एंटर नहीं हो सकता। मरते क्या ना करते चेक पोस्ट जाना पड़ा और ये सामान लिया दराज के लिए। आप जल्द से जल्द इसकी मैं पिक्चर्स खींचूंगी और फिर से दराज पे अपलोड करती हूँ, और आप भी देखिएगा जरूर कि क्या नई प्रोडक्ट मैंने इस वक्त दराज में अपलोड किया। माँ कढ़ाई बनाई है ना? कढ़ाई नहीं, कढ़ी बनाई है। मैंने कढ़ाई कहा था? मैंने कढ़ी सुना, मैंने कढ़ी बनाई है। कढ़ा